यहाँ बैठ के मेकअप कर रही है? किसके लिए कर रही है तू ये मेकअप? जब मैंने तुझे लाख बार समझा दिया मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं मानता, तो फिर ये मेकअप की क्या जरूरत है? आखिरकार दिया ही क्या है तेरे बाप ने मुझे? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझसे ऐसे बात मत करो। और कैसे बात करूं तेरे से? मैंने तो ये सोचा था कि मुझे कार मिलेगी दहेज में, और तेरे बाप ने तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। ए जी, इसमें मेरे पापा की गलती है। अगर वो गरीब है तो उनसे जितना बन पाया उनने दिया। उनने मेरी शादी भी मुझे पता है कैसे कैसे करके की है, किस किस से कर्ज लेके की है। उनको ऐसे मत बोलो आप। अरे तो और कैसे बोलूं? ये दे दिया, ये बैठ दे दिया, क्या करूं मैं इसका? तू ही बैठी रहती है इसके सामने 24 घंटे। ये 2000 रुपए लेगा, इससे शादी करी है तेरे बाप ने मेरे से? अगर औकात नहीं थी मुझसे शादी करवाने की तो क्यों करी शादी? मुझे कार चाहिए थी, कार। मैं नहीं मानता तू अपनी पत्नी वतनी। जिस दिन तेरा बाप मुझे कार दे देगा ना, उस दिन मुझसे बोलियो ये बात। तू ऐसे मत बोलो, उनकी जितनी औकात थी उन्हें दे दिया, उन्हें अपना सब कुछ लगा के तुम्हें दे दिया, लेकिन तुम फिर भी ऐसे बोल रहे हो उनको। अरे और कैसे बोलूं? या तो तू अपने आप अपने घर चली जा, मैं तो अपनी पत्नी वतनी नहीं मानता। मैं तो तुझे धक्के देकर भी इस घर से बाहर भगा सकता था, लेकिन बस डर है तो किस चीज का? बेइज्जती का। हम तेरी तरह नहीं है कि अपनी हर जगह बेइज्जती करवाते फिरे। अब भी तेरे पास टाइम है, अगर तुझे इस घर में रहना है ना मेरी पत्नी बन के, तो अब भी अपने बाप से बोल दे कि मुझे गाड़ी दे देंगे, वरना मैं बेइज्जती होने का भी डर नहीं रखूंगा अपने दिल में। एक सेकंड के अंदर तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा धक्के मार के, समझ गई तू? गलती है, मेरे पापा गरीब है तो उनसे जितना बन पाया उन्होंने मेरे लिए किया। उन्होंने दूसरों से कर्जा लेकर मेरी शादी की। मैंने कैसे समझाऊं, मैं क्या बोलूं अपने पापा से? नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती। उनके ऊपर वैसे ही बहुत बोझ है, बहुत कर्ज है, और नहीं बोल सकती उनको। अब तू ही कुछ कर। हितांशी, अरे कहां मर गई हितांशी? जी, सुनाई नहीं देती एक बारी की? वो मैं अंदर थी। अंदर थी? आज एक बात कान खोल के सुन ले, ये रोड धो के मुझे मत दिखाइयो, ठीक है? मेरी बहन आ रही है, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो गई ना तो तेरी जान ले लूंगा। अरे उनका कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? मैं उनका ठीक से ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत करो। चिंता ना करूं? वो जो भी गए ना वो ही करियो। अगर उसे गलती से दिक्कत हो भी गई ना तो फिर तू देख लियो मैं तेरा क्या हसन करूंगा। ठीक है जी, जैसा वो बोलेंगी मैं वैसे ही करूंगी। करेगी? नहीं, करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर पाई ना तो अब भी सुन ले, अपना बैग उठा और अभी निकल जा मेरे घर से। नहीं जी, जैसा आप कहोगे और जैसा दीदी कहेगी मैं वैसे ही करूंगी, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगी। जा, अब जाके घर का काम कर ले, और सुन, उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दियो, क्या पता फिर वही गरीबों वाला खाना बना के बैठ जाए। तेरी तरह गरीब नहीं है वो, मेरी बहन है, हमने बड़े लाड़ प्यार से पाला है उसे, ठीक है? जा, चली जा। ठीक है जी। Thank you.
सारे लोग कहाँ गए? भैया, भाभी, अरे अंजलि आ गए आप? हाँ भाभी, कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बैठो। भैया कहाँ हैं? वो जरा बाहर गए हैं। अच्छा, और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भाभी। ठीक है अंजलि, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है भाभी, ले आओ। अरे जब भैया को पता था मैं आ रही, पता नहीं कहाँ चले गए भैया। अरे बहन आ गई तू? हाँ भैया, आप कहाँ गए थे भैया? कहीं नहीं, थोड़ा बाहर तक गया था बस। और बता, ठीक है तू? हाँ भैया मैं ठीक। वैसे कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, तेरी भाभी ने पानी वानी दिया तुझे? नहीं दिया अब तक? हाँ हाँ, वो पानी ले ही गई है। अच्छा, इतनी देर में पानी लेकर आई है इसके लिए? तुझे क्या समझाया था? जा जा, अब इसके लिए चाय बना के लेके आ। ठीक है जी, अभी लाई। पता नहीं क्या होगा इसका। भैया भाभी अभी तक सुधरी नहीं क्या? बहन कहाँ सुधरी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसका। मैं करूँ तो करूँ क्या? मैंने तो इससे शादी करके अपना नसीब ही फोड़ लिया। मुझे तो लगा था इसका बाप गाड़ी देगा, इसका बाप तो कंगाल निकला। क्या करूँ मैं इसका? भैया आप सही बोल रहे हो, इनके पापा ने आपके साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। उन्होंने बोला क्या था और किया क्या? वही तो बहन, इसके बाप ने बोला क्या और करा क्या, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। पता नहीं कहाँ से ये मेरे पल्ले बांध दी। अगर इसके बाप ने मुझे गाड़ी नहीं दी ना, तो मैं इसे अपने घर से ही भगा दूंगा। तब समझ आएगी उसे कि उसने क्या किया है मेरे साथ। भैया अगर ये बात है तो इस काम को तो मैं भी कर सकती हूँ। वो कैसे बहन? भैया आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब मैं इस घर में आ गई हूँ। मैं इसे इतना परेशान करूंगी, इसके पापा को हमें कार लाकर देनी ही पड़ेगी, या फिर इसे इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। आप देखते रहो बस। ठीक है बहन, मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, तो जो भी करेगी ठीक ही करेगी। अरे ले आ चाय, अब तक तेरी चाय भी नहीं बनी क्या? ले बहन पी चाय। इतनी काली चाय? ये कैसी चाय है भैया? घर में क्या दूध नहीं है? बिल्कुल काली चाय है। घर में क्या दूध नहीं था? थोड़ा सही था? थोड़ा सही था तो मुझे बता नहीं सकती थी? मेरी बहन के सामने मेरी बेइज्जती करवा रही है? हैं? मेरी क्या गलती है? आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहा हूं? मैंने तो ये इतनी अच्छी तरीके से समझाया था कि मेरी बहन आ रही है, उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तूने आते के साथ ही अपने रंग दिखाने चालू कर दिए। घर में दूध नहीं था तो तू मुझे बता नहीं सकती थी? तूने मेरी बहन के सामने मेरी आते के साथ ही बेइज्जती करवा दी, हैं? ठीक है यहां से दफा हो जा मेरी नजरों के आगे से। बहन
देख रही है ना तू उसके रंग। हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इसके साथ जो भी आपने किया बिल्कुल सही किया, इसके साथ यही होना चाहिए। चल बहन तू टेंशन मत ले, तो जो खाना पीना हो मुझे बता दियो, मैं बाहर से ले आऊंगा, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है भैया। भाभी पानी गिर गया, यहाँ पे कपड़ा मार दो। अंजलि ये क्या किया तुमने, तुमने जानबूझ के पानी क्यों गिराया? जानबूझ के? मैंने कोई जानबूझ के नहीं गिराया, मुझसे गलती से गिर गया। अंजलि मैंने देखा है, मुझे पता नहीं था कि तुम भी अपने भैया की तरह हो, मैंने तुम्हें बहुत अच्छा मानती थी। भाभी आप उसे बहस मत करो, जितना मैं बोल रही हूँ आप उतना काम कर लो, वरना मैं भैया से बोल दूंगी। अगर मैंने भैया को बता दी ना तुम्हारी ये बात, तो भैया तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, याद रखना तुम इस बात को। नहीं नहीं अंजलि मैं भी कपड़े मार देती हूँ, तुम उन्हें कुछ मत बताओ। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जाओ और कपड़ा लाके इसे साफ कर दो। ढंग से लगाओ पूरे में। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे ऐसे ही धीरे धीरे सबक सिखाना पड़ेगा, तभी समझ जाएगा इसे। शायद यही है मेरी बहन का घर, बता तो रही थी कि इसमें ही रहती हूँ, चलो देखते हैं एक बार जाके। अंकल जी, हाँ जी। अंकल आर्यन जी का घर ऊपर ही है। ऊपर ही है बेटा। चलो शायद ही है ऊपर। हितांशी, हितांशी जा जा के देख दरवाजे पे कौन है। अरे भैया तुम? हाँ बहन मैं। अचानक से कैसे आना हुआ, और पापा नहीं आए? ना बहन पापा ना आ पाए इसलिए मैं ही आया हूँ तुझसे मिलने। अच्छा आओ अंदर आओ। जीजा राम राम। राम 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 राम। बैठ जा। और कैसा आना हो गया आज तेरा यहाँ? भैया मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है बहन। जीजा मैंने सोचा कि बहन से और तुमसे ही मिली हूँ। अपनी बहन से ही मिल, मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। अरे जीजा ऐसी क्या बात हो गई, इतना गुस्से में क्यों हो तुम? अच्छा तुझे नहीं पता क्या बात होगी, तुम भिखारी हो, तुम पे गाड़ी तो दी नहीं गई, अपनी बहन की मुझसे और शादी करवा दी। अरे जीजा तुम ऐसी कैसी बात कर रहे हो? और कैसे बात करूं मैं तेरे से? लो भाई पानी पी लो। रहने दे बहन, पानी वानी तो मैंने सब पी लिया। क्यों क्या हो गया? क्या हो गया तुझे नहीं पता क्या हो गया? इस भिखारी को घर में किसने बुलाया? आर्यन ये आप कैसी बात कर रहे हो मेरे भाई से? हाँ भैया कौन है ये? ये इसका भाई है भिखारी। हाँ भैया सही कह रहे हो तुम, देखो तो उसके कपड़े कैसे कपड़े पहने हुए गंदे से, और ये गले में क्या डाला हुआ है, बिल्कुल भी तमीज नहीं है। आर्यन मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आपको जो बोलना है मुझे बोल लो, मेरे भाई से ऐसे बात मत करो, उसकी ऐसे बेइज्जती मत करो,
ये तो अभी कुछ भी बेइज्जती नहीं है। अगर इसकी जगह इसका बाप आया होता ना, तब मैं बताता तुझे। बहन अब तू चल यहां से, अब बहुत सुन ली इनकी। नहीं भाई, यही मेरा घर है। मुझे पापा ने बोला था कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से कभी नहीं जाना। बहन मैं तेरी ये हालत नहीं देख सकता, लेकिन अब तू यहाँ से चल। पापा जो कहेंगे मैं सब संभाल लूंगा। अगर हमें पता होता ना कि इस घर में आके तेरी ये कदर हो जाएगी, तो इस घर में तेरी शादी बिल्कुल ना करते हम। हाँ हाँ ठीक है, ले जा अपनी बहन को, इसे रखना भी कौन चाहता है। और जब तुम दोनों की औकात नहीं थी तो क्यों करी तुमने यहाँ मेरे साथ शादी इसकी। भैया आप यहाँ से चले जाओ, चले जाओ भैया। चल ठीक है बहन। जीजा ये तुमने अच्छा नहीं करा मेरी बहन के साथ, मैं बहुत जल्द आऊंगा अब। हाँ जा निकल जा, तेरे जैसा 336 घूमते मेरे पीछे। भिखारियों को बुला के मेरी बेइज्जती करवा रही है यहाँ पे, जा चली जाए यहाँ से। अंजलि ठीक करा ना मैंने? हाँ हाँ भैया बिल्कुल ठीक किया आपने। इन भिखारियों की औकात नहीं है, अगर इसकी मुझसे शादी ना हुई होती ना तो इन भिखारियों की इतनी औकात, अब भी ऐंठ कर गया मेरे सामने, इसे यहीं फाड़ देता। हाँ भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, और इसका भाई तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। हाँ चल तू परेशान मत हो, इसे तो मैं बाद में देखूंगा। जा जा तू अंदर जाकर आराम कर। ठीक है। इसे पिला रही है यहाँ लाके पानी। चल तू आज इस घर से, बहुत हो गई तेरी। मैंने कहा था ना मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन अब तक तेरे बाप ने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया। सुन आज इस घर से निकालूंगा तुझे मैं, किसी भी बंदे की नहीं सुनने का, ना मुझे बेइज्जती का डर ना ही इज्जत का। निकल मेरे घर से। नहीं मुझे माफ कर दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने तुझे 1,00,000 बार समझाया, लेकिन तूने अब तक भी अपने पापा से कुछ नहीं कहा। मैंने कहा तो उस बुड्ढे ने फोन काट दिया। चल दे यहां से। नहीं आर्यन। अरे बाहर निकल मेरे घर से। नहीं आर्यन। नहीं चल। चल मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं आर्यन ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, निकल जा मेरे घर से। आर्यन अरे नालायक बेटा खड़ा हो। अरे नालायक अगर मुझे तेरी औकात का शादी होने से पहले पता लग जाता ना तो अपनी बेटी की शादी तुझसे बिल्कुल नहीं करता। अरे तुझे गाड़ी चाहिए ना, ये गाड़ी की औकात कहन तेरी। रिसाल इसे इसकी औकात दिखा, देश के मुंह पे गड्डी खरीद। कौन सी गाड़ी खरीदनी है तुझे? खरीद ले और खरीद। अरे नालायक इस दुनिया में गरीब होना एक जुर्म नहीं है। तुम जैसे की औकात जब सामने आ जाती है ना तो गरीबत को अपना मुंह दिखाना पड़ता है। और ये नोट पड़े हैं, कौन सी गाड़ी खरीदे तू खरीद लेना बेटा, अब इस घर में हम एक पल नहीं रहेंगे। चल आज सर। नहीं मैं यहां से कहीं नहीं जा सकती। तू इतना सब कुछ सहन होने के बावजूद भी तू इस घर में रहना चाहती है? हाँ पापा, क्योंकि आपने सिखाया था चाहे कुछ भी हो जाए अपने ससुराल से कहीं मत जाना। अब यहां से जाएगी तो बस मेरी अर्जी ही। बेटा मैंने ये सिखाया जरूर था, पर तू ये नहीं सिखाया था कि उन जल्लादों के बीच में रहकर तेरी अर्थी निकले। नहीं बेटा चल तू यहां से, ये जल्लाद है और जल्लादों के बीच में अपनी बेटी को मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं पापा नहीं, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा मान ले मेरी बात, क्योंकि ये नहीं समझ पाएंगे। पापा ये संस्कार मुझे आपने दिए हैं। हाँ बेटा मैंने संस्कार दिए हैं, पर तू जहां संस्कारों की कदर ना हो वहां रहने में कोई फायदा नहीं। बेटा बहन पापा सही कह रहे हैं, अब तू यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। चल यहाँ से, तुझे पता है ना
जी जाने मेरे बारे में और पापा के बारे में कितना उल्टा सीधा बोला। चल बेटा मान ले मेरा कहना। नहीं पापा, मैंने शादी करते वक्त सात फेरे लिए थे, सात वचन लिए थे, और उसमें से एक वचन ये भी था कि अब इस घर से जाएगी तो बस मेरी आरती ही जाएगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो बेटा ये लोग इतने समझदार नहीं है, मैं अब इन जल्लादों के बीच में तुझे छोड़ना नहीं चाहता बेटा। भूल जा वो सात फेरे, भूल जा वो सात वचन। हे भगवान, आज मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। आज एक बाप की बेटी अपने संस्कारों में डूबी हुई है, एक तरफ उसके सामने जल्लाद खड़े हुए हैं। भगवान पापा मुझे माफ कर दो, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पैसों के चक्कर में इतना बावला हो गया था कि मैं रिश्तों को ही भूल गया था। पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज मेरी आंखें खुल गई, मुझे नहीं पता था जिस माँ बाप ने अपनी हंसती खेलती बेटी दे दी उससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है। मैं इन पैसों के चक्कर में पागल हो गया था, मुझे माफ कर दो पिताजी, आज मेरी आंखें खुल गई, उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दो पिताजी। खड़ा हो बेटा। अरे पागल, जिस बाप ने तुझे अपना गहना दे दिया उससे बढ़ के तेरे लिए क्या है। आराम, तेरी आंखें खुल गई, मुझे इससे बढ़ के कुछ नहीं बेटा।